ओके तो जिंजर का सॉरी स्ट्रॉबेरी का पाउडर बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का रोज बना सकते हैं, इंस्टेंट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदीज बना सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी से इसे डिहाइड्रेट करने के बाद मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस स्ट्रॉबेरी। ओके तो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट रोल बनाओगे ना विदाउट प्रिजर्वेटिव, कुछ भी केमिकल बिना यूज करके बहुत हेल्दी प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी प्रोडक्ट बनते हैं। ओके तो स्ट्रॉबेरी एज अ बेस प्रोडक्ट लेके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं डिहाइड्रेट करने के बाद। फिर इंस्टेंट रेडी टू गो, अभी जो हमने जस्ट डिस्कस किया रॉ पाउडर बनाने का डिहाइड्रेट करके और सब वैल्यूएटेड प्रोडक्ट रॉ चिप्स फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में हम लोग करेंगे, फिर वो करने के बाद हम लोग उससे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट जो कंपनीज को हम लोग सप्लाई करेंगे वो रेडी टू कुक इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाते। अभी ये सामने जो प्रोडक्ट आ गया नूडल्स है, इंस्टेंट नूडल्स, ये नूडल्स देखोगे तो साल भर बिकता है, साल भर इसका बिजनेस कितना है, एक कंपनी 10,000 crores का बिजनेस करती एवरी ईयर, 12-14% बिजनेस में इंक्रीज है। ये दिस प्रोडक्ट इज 100% डिहाइड्रेटेड का कंसेप्ट है, इसमें नूडल्स भी डिहाइड्रेट किया जाता है एज वेल उसका जो मसाला रहता है वो मसाला आप उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स पैकिंग के ऊपर पढ़ोगे ना, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर लीव्स है, डिहाइड्रेटेड ग्रीन पीस है, डिहाइड्रेटेड टमाटर है, ये सब डिहाइड्रेशन लेके बनाया प्रोडक्ट है। और इसका एडवांटेज क्या है, 38 years बिफोर ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया गया। अभी आप देखोगे इसका मार्केट ना हर एक घर में बनाया जाता है, बच्चे लोग भी देखोगे स्कूल के बच्चे लोग भी, लेडीज नहीं गर्ल्स नहीं बच्चे लोग लड़के भी मैगी नूडल्स बना सकते हैं। ओके तो नूडल्स इतना इजी है और घर घर में, आप काश्मीर टू कन्याकुमारी कहाँ पे भी जाओ कितना भी रिमोट गांव में जाओ वहां पे नूडल्स का पैकेट रहता है और नूडल्स बनाया जाता है। अब ये एज अ नूडल्स सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी खाते हैं, दोपहर कुछ जन दोपहर के लंच के लिए भी खाते हैं, कुछ जन शाम के स्नैक्स के लिए भी खाएंगे और कुछ जन रात के डिनर के लिए भी खाते हैं। यानी यूनिवर्सल लोग हैं इतना, और इंडियन प्रोडक्ट नहीं था ये प्रॉपर तो इनिशियली, बट ये अभी लोकल अभी इंडियन प्रोडक्ट बन गया। ओके तो ये सिमिलर प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। ओके आप मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर सकते हैं, प्लस इसमें कुछ वेरिएशन भी ला के कर सकते हैं, आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं इसमें, तो क्रिएटिव। आप ये डिहाइड्रेशन टॉपिक देखोगे ना तो इट इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव। फिर टमाटर का पाउडर बनाया हमने तो उससे टमाटर सूप बनते हैं, ये टमाटर सूप का भी देखोगे ना तो इंडिया इंडिया में एक कंपनी है वो सिर्फ 7,000 crores का बिजनेस करती है सिर्फ सूप के ऊपर। ओके और ये बनता है, आप देखोगे ना कॉस्टिंग देखने जाओगे तो बनता है कितने में, तो 180 rupees to 200 rupees में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में सेल करते हैं, एटलीस्ट 1,000 rupees kg। एक क्लियर सूप बेचने वाली कंपनी है राइट हैंड साइड में जो क्लियर सूप है, वैसे अगर आप बनाओगे वो कंपनी इंस्टेंट फॉर्म में तो वो कंपनी कितने को बेचती है क्लियर सूप का पाउडर, 2,500 rupees का kg बेचती है, 100 gram का वो 250 rupees में बेचते हैं, राइट। तो और कितना बिजनेस करते हैं, 7,000 crores 9,000 crores का बिजनेस करते हैं सिर्फ एक ही सूप के ऊपर। तो इसका सब रॉ मटेरियल है वो डिहाइड्रेटेड पाउडर्स है, टमाटर पाउडर रहेगा, जिंजर पाउडर, सब फ्लेवरिंग के जो पाउडर्स रहेंगे, इवन कोरिएंडर लीव्स है ना, ये कंपनी को अगर सप्लायर बनना है आपको तो उनको कोरिएंडर लीव डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, तो यू कैन सप्लाई कोरिएंडर लीव्स आल्सो टू देम, उनको आप कोरिएंडर लीव्स भी आप सप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे, यानी आप देखोगे कि हर एक जो रॉ मटेरियल जो भी मार्केट में मिलता है ना, जो भी सब्जी आपको मिलता होगा वो सब डिहाइड्रेट करके आप मार्केट में बेच सकते हो, खुद का ब्रांड से भी बेच सकते हो, B2B भी कर सकते हो, या उससे ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाओगे तो और अच्छा रेट मिलता है। देखो जैसे 180 rupees to 200 में सूप पाउडर बनता है, बिकता है 5 times 10 times, जैसे आप प्लेसिंग करोगे उस हिसाब से उसमें मार्केट अपने को मिलते जाता है, करेक्ट। फिर पोहा, ये तो घर घर में बनने वाला प्रोडक्ट है तो इसमें भी इंस्टेंट कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स को सिर्फ पानी का ऐड करना होगा, पानी ऐड करके गर्म करेंगे तो उनका पोहा रेडी हो जाएगा। उपमा है, रेडी टू कुक उपमा आप बना सकते हैं, इंस्टेंट रेडी टू कुक उपमा RTC प्रोडक्ट, इसका सब रॉ मटेरियल जो है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट रहेंगे तो आप इंस्टेंट कर सकते हैं। और इसमें वैरायटी, आप क्रिएटिव अगर है तो वैरायटी क्रिएट कर सकते हो, फिर टमाटर उपमा होगा, पालक उपमा होगा, मेथी उपमा होगा, लाल मिर्च का उपमा होगा, मल्टीपल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसके उपमा हो सकते हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स के उपमा हो सकते हैं, फ्रूट्स के उपमा हो सकते हैं, पाइनएप्पल उपमा, फिर स्ट्रॉबेरी उपमा, बल्कि कितना रेंज है, सिर्फ इसके ऊपर भी फोकस करोगे ना आप मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज आप क्रिएट कर सकते हो। ओके इसलिए लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है,
इसमें क्रिएटिविटी के लिए एंड ही नहीं है। इसलिए क्रिएटिव होने से ना आप मल्टीपल मार्केट में आप तो को कंपटीशन से अलग ही हो सकते हैं। अब ये मिसल है, बहुत जन को मिसल पसंद आती है कि फोटो देखने से देखो पानी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। लेम्बू ले लो, लेमन को स्क्वीज करो, ऐसा मस्त ऐसा एकदम जबरदस्त टेस्ट लगता है इसको। आपको मालूम रहेगा वो दादर का एक होटल है, वो मिसल को उनको इंटरनेशनल बेस्ट स्नैक फूड करके अवार्ड मिला था पिछले कॉम्पिटिशन में मिसल को। तो अपने एक पार्टिसिपेंट है, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने ये मिसल को इंस्टेंट फॉर्म में किया, डिहाइड्रेशन का टेक्निक करके इंस्टेंट मिसल बनाया। और उन्होंने क्या कि एक ब्रांड किया है, वो ब्रांड को एक आउटलेट बना के उन्होंने फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा किया। कितने फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में खड़े किए? 42 फ्रेंचाइजीज किए। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 12 to 14 lakhs वो फ्रेंचाइजी फी लेते हैं। ओके, उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज किचन में ये मिसल इंस्टेंट फॉर्म में करते हैं। तो जो भी आउटलेट है ना, वहाँ पे स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं है, उधर कोई भी लो वर्कर को ट्रेन करते कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना सिखाया, तो सेम टेस्ट उनका हर एक 42 आउटलेट्स में मिल जाता है। राइट, तो अभी इतना अच्छा सक्सेस मिल गया, तो नाउ इज प्लानिंग उसको पाव भाजी को इंस्टेंट फॉर्म में कर रहे हैं, और पाव भाजी को ब्रांड करके ऐसे ही ऑल ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में वो फ्रेंचाइजी नेटवर्क का प्लान कर रहे हैं। वैसे ही फिर और एक ब्रांड और रजिस्ट्रेशन के लिए है उन्होंने, तो वो नॉनवेज में प्रोडक्ट में भी इंस्टेंट फॉर्म में ला रहे हैं, तो उसमें भी फ्रेंचाइजी का प्लानिंग कर रहे हो। यानी एक सक्सेस मिल गया, वो अभी रिपीट कर रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के, तो वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ओके, सिंस दे कैन मेक, यू ऑल्सो कैन मेक दैट प्रोडक्ट, सिमिलर कंसेप्ट, तो दैट इज पॉसिबल। तो इंस्टेंट रेडी टू कुक मिसल आप कर सकते हो, रेडी टू कुक पराठा प्रीमिक्स बन सकता है, तो पराठा प्रीमिक्स में बहुत सारे वराइटीज कर सकते हैं। गाजर का पराठा प्रीमिक्स हो सकता है, आलू का पराठा प्रीमिक्स होता है, स्टफिंग वाला भी हो सकता है, और प्लेन पराठा प्रीमिक्स भी हो सकता है। वैसे अचार भी आप प्रीमिक्स कर सकते हो अचार का, फिर डोसा का प्रीमिक्स है। ओके, इंस्टेंट इडली है, पूरा होल इडली ऑल्सो वी कैन डिहाइड्रेट, इंस्टेंट इडली बन जाएगा, वापस स्टीम करेंगे तो इडली जैसा हो जाएगा। उसका सांबार है, चटनी है। ओके, ये सब हम लोग रेडी टू कुक कुकिंग के लिए, सब डिहाइड्रेशन के टेक्निक से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, वो ज्यादा करके प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनेंगे, इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रेडी टू कुक बनेंगे तो उनका लोगों का टाइम बच जाएगा, 5 मिनट में उनका इडली बन सकता है, 5 मिनट में डोसा बन सकता है, उनका सांबार भी रेडी फॉर्म में रहेगा। अभी एक को आप डिहाइड्रेट करके, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है कि 5 वैरायटी के ऑमलेट बनाए। एक वैरायटी उसने क्या किया, येलो सेपरेट किया, व्हाइट सेपरेट किया, तो उसमें येलो और व्हाइट का एक मिक्स का एक इंस्टेंट ऑमलेट बनाए। उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड चिली यूज करके उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाया। वैसे उसने येलो का एक ऑमलेट बनाया, येलो को डिहाइड्रेट करके उसने येलो का, वैसे व्हाइट का, जिनको कोलेस्ट्रॉल का वगैरह प्रॉब्लम रहता है, हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, वो व्हाइट का ऑमलेट खाते हैं। तो इधर 3 वैरायटीज हो गए। प्लस उसने वेजिटेरियन ऑमलेट बनाया, एज वेल एज फास्टिंग जो करते हैं उनके लिए अलग से बनाया, यानी 5 वैरायटीज ऑफ ऑमलेट उसने बनाए। तो एग का फिर एग को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, तो एग से बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बनेंगे। एग का केक प्रीमिक्स बन सकता है, कप केक से प्रीमिक्स बन सकता है, मेनी एग के कुकीज बन सकते हैं, मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन मेक। एग का इंस्टेंट भुर्जी भी बना सकते हैं, तो एंडलेस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक बार डिहाइड्रेशन टेक्निक आप करोगे तो एंडलेस प्रीमिक्सेस आप बना सकते हैं। ये सुबह का ब्रेकफास्ट का पहले हो गया, अभी दोपहर का लंच का देखोगे जो वेजिटेरियन खाने वाले हैं, तो पालक की सब्जी है, ग्रेन्स की सब्जी है। ओके, ये सब जो सब्जी हमको पटाटो का सब्जी है, ओके, सब जो दिख रहा है ना, फ्लावर की सब्जी है, ऑल दिस सब प्रोडक्ट्स ना आप इंस्टेंट रेडी टू, आपको जो सब्जी पसंद है ना वो सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में आप डिहाइड्रेशन टेक्निक करके यूज करके बना सकते हैं। दाल है, दाल फ्राई है, फिर जीरा राइस है, पुलाव है, बिरयानी है, मेनी मेनी ऑल योर प्रोडक्ट्स कैन बी, इवन आपका सैलड रहेगा वो भी, सैलड भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो, मल्टीपल वैरायटी ऑफ सैलड कर सकते हो आप। ओके, तो ये सब अपना जो सब फूड है इंडियन फूड। ओके, अभी नूडल्स कैसा, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट था, बट हमारा सब इंडियन जो बेसिक फूड जो हेल्दी प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है, फुल मील जो बोलते हैं ना, वो फुल मील सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। इसलिए स्कोप देखने जाएंगे ना तो एंडलेस ये सब प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। ओके, ये सब प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में।
भिंडी की सब्जी है, जो भी, जो नॉनवेज खाने वाले, जिनको नॉनवेज में काम करना है, तो उसमें उनको चिकन का ग्रेवी कर सकते हैं, प्रॉन्स का ग्रेवी कर सकते हैं, अलग अलग फिश के ग्रेवी, फिश पुलाव, फिश, फिर फिश बिरयानी, रेडी टू फ्राई फिश, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। दोपहर का सब फूड हम लोग कर सकते हैं। फिर कर्ड को हम लोग डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, इंस्टेंट लस्सी, ऐसे फिर लस्सी में अलग अलग फ्लेवर्स कर सकते हैं, मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, पाइनएप्पल लस्सी, एंडलेस प्रोडक्ट बना सकते हैं, एंडलेस कॉम्बिनेशन। इसलिए कंपटीशन हो नहीं सकता इसमें, आप अलग दूसरे से अलग हो ही जाओगे। फिर वैसे स्वीट डिशेस, डेजर्ट खाना है, इंस्टेंट खीर के अलग अलग वराइटीज बना सकते हैं, गाजर हलवा, लौकी का हलवा, ओके, बहुत सारे स्वीट डिशेस हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। गुलाब जामुन है, बहुत सारे हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर शाम का नाश्ता है, शाम को फिर बटर वड़ा कर खाना है, तो बटर वड़ा का भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, समोसा भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, आरटीसी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। फिर पकौड़ा जिनको खाना है, मूंग पकौड़ा हो, पालक पकौड़ा हो, मिक्स पकौड़ा हो, ऑनियन पकौड़ा हो, सब आप 50 वराइटीज ऑफ पकौड़ा कर सकते हो, 50 वराइटीज, उसको ब्रांड करो है तो उसका फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा खड़ा कर सकते हो, इतना स्कोप है। ओके, तो ये सब हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक करके रेड लोगों को रेडी टू फ्राई, रेडी टू कुक करने के लिए रेडी रहेगा, यानी पानी में मिक्स करना है, उनको फ्राई करना है, उनके प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगे। उनके प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगे। तो आपको अभी ध्यान आता होगा कि क्या क्या, व्हाट इज पॉसिबल, तो एंडलेस पॉसिबिलिटी है। फिर रात को आपको चाइनीज खाने का मूड है तो ये फ्राइड राइस इंस्टेंट कर सकते हो, इंस्टेंट मंचूरियन, मंचाओ, जो भी आपको करना है, रेडी टू फ्राई मोमो, रोल टू कुक मोमोज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो, करेक्ट। तो अभी फिर नेक्स्ट, ये सब करने के बाद ना, यानी दो, अब इसमें अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि डिहाइड्रेशन में अपने को अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक तो रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स है, उसको डिहाइड्रेट करके हम लोग B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी ये सब रेडी टू कुक कंपनीज जो है, रेडी टू कुक कंपनीज देखोगे तो 1800 कंपनीज है इंडिया में, उनको आप सप्लायर बन सकते हो। टोमेटो पाउडर वगैरह बनाते हो तो 800 कंपनीज है टोमेटो सूप बनाने वाले, और कोई भी कंपनी खुद डिहाइड्रेट नहीं करते, वो आउटसोर्स करते हैं, बाहर से टमाटो पाउडर वगैरह लेते हैं, तो यू कैन बी अ सप्लायर टू देम। ओके, तो वैसे वो आपको अपॉर्चुनिटी, यानी B2B अपॉर्चुनिटी है। फिर जिनको कम क्वांटिटी में, उनको कम इन्वेस्टमेंट में घर से शुरू करना है, तो घर से अगर शुरू करना है तो एडवाइस ऐसा है कि आप कम क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट ले लो, जैसे अब तक जो सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर हमने जो प्रोडक्ट डिस्कस किए, वैसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट ले लो कि जिसमें रेट अच्छा मिल रहा है, यानी कम क्वांटिटी का है ना, तो भी अपने को रेट अच्छा मिलना चाहिए, तो अपने को मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाएगा उसमें, करेक्ट करेक्ट। तो अभी फिर हम लोग अभी देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है इसमें। तो सबसे पहले आप देखोगे, अगर फ्रूट्स करते हैं तो उसका स्किन निकालना पड़ता है, पालक लेते हैं तो उसका रूट्स कट करना पड़ेगा, फिर वॉशिंग करना पड़ेगा, स्लाइसिंग करना है, फिर सॉर्टिंग करना है, ग्रेडिंग करना है, अपने को साइज वाइज अगर ग्रेडिंग करना है तो ग्रेडिंग करना पड़ेगा। ओके, स्लाइसिंग करने का, सॉरी, स्किन वॉशिंग करना है, प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखोगे, बिफोर डिहाइड्रेशन ना, प्री ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत जन को ये प्री ट्रीटमेंट मालूम नहीं रहता है। वो प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट आप करोगे ना तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। अपने पार्टिसिपेंट जो है ना, ये प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट वगैरह करके डिहाइड्रेट करके, अभी एक पार्टिसिपेंट है वो आमचूर पाउडर यानी कैरी का पाउडर डिहाइड्रेट करके US में बेचते हैं, 4 टन एवरी मंथ वो कैरी पाउडर बेचते हैं। वैसे और एक पार्टिसिपेंट है, वो पालक का पाउडर करके हांगकॉन्ग बेचते हैं। ओके, तो प्रॉपर अगर सिस्टम फॉलो करोगे, प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट करोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट यूजुअली रिजेक्ट नहीं होगा। फिर ड्राइंग करने के बाद ग्रेडिंग, फिर सॉर्टिंग, अगर उसमें वैल्यूएडेशन करोगे तो मिक्सिंग भी आ जाएगा। फिर मेटल डिटेक्शन करते हैं, ओके, मेटल वगैरह कुछ पार्टिकल्स है कि उसमें पैकिंग किया जाएगा, ओके, स्टोर किया जाएगा, फिर डिस्पैच किया जाएगा। डिस्पैच करने के बाद आपको जो प्रॉफिट कमाना है उतना प्रॉफिट कमा पाएंगे। फिर अभी डिहाइड्रेट करने का देखोगे तो सनड्राइड में भी बहुत क्वांटिटी, पर सनड्राइड के इसमें ना थोड़ा लिमिटेशन आ रहा है अभी, क्योंकि इंडिया भी पूरा कंस्ट्रक्शन का कंट्री है, तो आप सनड्राई करने जाओगे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स आता है, प्लस वो कौवे, फिर उसमें क्या है ना, एंट हेड्स मिलते हैं, इसलिए अभी सनड्राइड कोई भी कंपनी है ना, सनड्राइड प्रिफर नहीं करते,
तो उसके लिए फिर अलग अलग मशीन्स आते हैं, जैसे स्प्रे ड्राइड्स आते हैं जिसमें पाउडर बनते हैं, पालक का पाउडर यानी मिल्क पाउडर बनाते हैं, फिर कर्ड का पाउडर बन सकता है, एग का पाउडर बनता है, ऑरेंज जूस का पाउडर बनाया जाएगा, लेमन जूस का पाउडर बनाया जाएगा, वैसे स्प्रे ड्राइंग टेक्निक्स रहते हैं। फिर हॉट एयर ड्राइंग रहता है जिसमें सब आप कुक फूड भी करोगे और अलग अलग वेजिटेबल्स आप कर सको। तो मशीनरीज देखोगे डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट में, कौन से बड़े स्केल पे जब भी आपको करना है तो कौन से मशीनरीज लगते हैं, तो बॉयलर लगेगा उसमें, ओके बॉयलर उसमें लगते हैं, फिर फीडिंग एलिवेटर आ जाएगा, फिलिंग मशीन आते हैं, राउंड वॉशर आते हैं, वॉशिंग टैंक्स आते हैं, एलिवेटर बेल्ट आते हैं, वॉशिंग टैंक दूसरा एक वॉशिंग टैंक आते हैं, एलिवेटर बेल्ट, स्लाइसर कटर आता है, एज पर रिक्वायरमेंट अपने को स्लाइसिंग या कटिंग करना पड़ता है, ओके फिर ड्रायर में रख दिया जाता है, उसमें चॉइस अलग अलग रहते हैं, हॉट ड्रायर, कोल्ड ड्रायर, विंड ड्रायर, एसी प्लांट लगता है, रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए मेनली एसी प्लांट। डिहाइड्रेट होने के बाद उतना स्टोरेज का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रॉ मटेरियल स्टोरेज करने के लिए अपने को लगता है, हलर मशीन लगेगा, ड्राई स्किन रिमूवर, सॉर्टिंग मशीन, मेटल मैग्नेट अगर कुछ मेटल पार्टिकल्स आते हैं क्या उसमें वो चेक करने के लिए, फिर एयर कंप्रेसर, मल्टी कटर, वाइब्रो स्किन, पाउडर मिल, सीलिंग मशीन, मॉइस्चर मीटर एंड कोल्ड रूम। ये सब बड़े स्केल पे जब भी आपको 10,000 kg का दिन में आपको प्रोसेस करना है, ओके तो ये सब मशीनरीज आपको ये प्लांट सेटअप करना है। यानी आपका अगर विजन ऐसा है कि आपको बड़े स्केल पे करना है, कोई भी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कोई देखने आएंगे ना, मेरा ऐसा ह्यूज कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उसके लिए सब ये मशीन्स लगते हैं और यूज है सब मशीन। प्लस आपको जैसे राइट साइड में फोटो दिख रहा है, वो आपको खुद का लैब भी सेटअप करना पड़ेगा आपके फैक्ट्री में, ओके तो क्वालिटी चेकिंग भी आपके यहाँ अच्छा हो जाएगा। जिनको छोटे स्केल पे करना है, ऐसे छोटे मशीन आते हैं, 3 ट्रे, 5 ट्रे, 10 ट्रे के डिहाइड्रेटर आते हैं, 20 ट्रे के आते हैं, ओके 30 kg लोडिंग, 50 kg लोडिंग, ऐसे अलग अलग मशीन आते हैं, वो मशीन का यूज करके आप छोटे स्केल पे, यानी जिनको घर से करना है वो पॉसिबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग देखने जाओगे तो 10,000 में भी एक एक को चाहिए तो 10,000 में भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 25 लाख प्रॉपर सेटअप करना है, फैक्ट्री टाइप सेटअप करना है, यानी आपको B2B जब भी करना है ना, तो B2B जिनको करना है उनको सजेशन क्या है कि एटलीस्ट एटलीस्ट 100 kg का तो आपका प्लांट सेटअप आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए। यानी आउटपुट आपको 100 kg चाहिए तो लोडिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, लोडिंग कैपेसिटी आप देखोगे तो 1,000 kg का लोडिंग अगर करेंगे तो अपने को 100 kg पर बैच अपने को आउटपुट मिलेगा, करेक्ट। अभी वो सेटअप करना है ना, 1,000 kg लोडिंग का मशीन आप देखोगे उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, ओके तो 18 लाख का सेटअप हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल वगैरह पकड़ के आपका 20 लाख, 25 लाख का प्रोजेक्ट हो जाएगा, ओके बट जिनको घर से शुरू करना है तो कम से कम छोटी मशीन आती है वो 12,800 का मशीन आता है, उसमें अब आप शुरू कर सकते हैं, या 50,000 का आप भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे यानी मशीन विदाउट मशीन लेके भी आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, दूसरे से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके आपके यहाँ प्री मिक्सेस बनाओगे तो आपके खुद के ब्रांड से भी बेच सकते हो, उधर इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगा अगर मशीनरी नहीं लेते हो तो इसमें स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। यानी जिनको घर से करना है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, और जिनको बड़े स्केल पे करना है तो अभी बड़े स्केल पे अभी उधर 5 करोड़ का दिया है तो 5 करोड़ में कौन सा प्लांट बैठता है, तो आप स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट करोगे ना जिसमें 1,000 kg आउटपुट मिलता है इन 3 आवर्स का एक बैच में, ओके तो बड़ा, तो उसके लिए 10,000 square feet का जगह लगता है, वो जगह में आप पूरा ऑटोमेटेड प्लांट रहता है स्प्रे ड्राइंग का प्लांट, तो उसमें आपको 5 to 6 crores का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो जिनको वो लेवल पे करना है वो भी पॉसिबल है स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट करके। फिर इसमें सर्टिफिकेशन क्या क्या लगता है, अभी ये प्रोजेक्ट आपको सेटअप करना है तो सर्टिफिकेट क्या लगेगा, अगर आपका 40 लाख के ऊपर बिजनेस जाता है या आपको अमेजोन के ऊपर बेचना है या गवर्नमेंट के ई पोर्टल्स रहते हैं उसके ऊपर बेचना है आपको, तो उधर GST सर्टिफिकेट के बिना नहीं चलेगा, तो वहाँ पे GST लगेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा, आप एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्टर हो जाओगे। फिर FSS है, आपको कंपल्सरी है लाइसेंस, वो लेना पड़ेगा। जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एपेडा का मेंबर होना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर एज अ स्पाइस आप फॉर एग्जांपल जिंजर है, गार्लिक है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा। फिर उसके साथ आपको IEC कोड लगेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड लगेगा, ओके ये सब आप ले लोगे तो आप बिजनेस ऑल इंडिया प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप कहाँ पे भी बेच सकते हो, ओके तो अभी ये सब कवर, अभी क्या है ना हमारे 1 घंटे में इतना हम लोग सब नहीं, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि क्या क्या करना है अपने को, बट जिनको ये सब सुन के अभी इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ये सब डिटेल में सीखना है,
कैसे करना है, ओके हाउ हाउ इट इज डन, वो एक्चुअली प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, वो प्रैक्टिकली देखना है। तो हमने क्या किया, आर्ना सॉल्यूशन ने 3 दिन का वर्कशॉप डिजाइन किया। ये 3 दिन का वर्कशॉप में आप देखोगे ऑफलाइन वर्कशॉप है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें, एंड आरटीसी यानी डिहाइड्रेशन का कोर्स विद आरटीसी प्रोडक्ट्स भी हम लोग उसमें इंक्लूड किया। ऑफलाइन प्रोग्राम है तो डे वन में क्या रहता है वर्कशॉप में, तो प्रैक्टिकल्स ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी हम लोग अलग अलग वेजिटेबल्स है उसको कट करते हैं, उसको प्री ट्रीटमेंट करते हैं, फिर मशीन में लोड करते हैं। वैसे फ्रूट्स को भी हम लोग डिहाइड्रेट करने के लिए रखते हैं, फिर फ्रूट्स का कैंडिड फ्रूट्स बहुत मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देखोगे एपीएमसी मार्केट में एक है कस्टमर, वो 50 टन कैंडिड फ्रूट इम्पोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं, और लोकल सब मिठाई के शॉप में वगैरह सप्लाई करते हैं, क्योंकि उतना कोई बनाता नहीं इंडिया में, फ्रूट्स को कुछ प्रोसेस ज्यादा करता नहीं है, तो कैंडिड फ्रूट्स वगैरह जो है उसको डिमांड बहुत है मार्केट में। तो वो कैसे करना है उसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल रहता है, यानी सुबह का सेशन रहता है उधर प्रैक्टिकल करके मशीन में वगैरह लोड करते हैं, फिर दोपहर में थेरी सेशन रहता है, फिर थेरी सेशन में एप्लीकेशन क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज कैसे है, फिर उसमें प्री ट्रीटमेंट प्री प्रोसेसिंग तो चॉइस क्या है, अपने को ब्लांचिंग कर सकते हैं, केमिकल प्री ट्रीटमेंट रहता है, सल्फरिंग रहता है, ऐसे अलग अलग, तो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्री ट्रीटमेंट रहता है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस रहता है, ये प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ओके, फिर डे टू में आप देखोगे प्रैक्टिकल ऑन मेकिंग वेरियस रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स लाइक पराठा प्रेमी, साबुदाना वड़ा, इंस्टेंट साबुदाना वड़ा, चटनीज है, टमाटो सूप्स है, वेज पुलाव है, ओके ये सब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट डे सेकंड डे के। प्लस हम लोग क्या करते हैं, जो बनाएंगे ना प्रोडक्ट, यानी पहले दिन जो हमने डिहाइड्रेट किया, फॉर एग्जांपल मेथी को हमने डिहाइड्रेट किया, वो मेथी का पराठा प्रीमिक्स बनाएंगे, वो पराठा प्रीमिक्स बनाने के बाद वो कैसे आपको रेसिपीज मिल जाएंगे, कितने ग्राम में वगैरह सब यूज करना है, तो उससे एक्चुअल पराठा प्रीमिक्स हम लोग बनाएंगे और वो एज अ फूड एज अ हमारा वो लंच ही हो जाएगा। वो पराठा हम खा के देखेंगे कि कैसा टेस्ट लगता है, ओके तो मार्केटेबल है कि नहीं, यानी हम लोग पहचान सकते हैं कि नहीं डिहाइड्रेटेड फूड खा रहे हैं या फिर फ्रेश ही खा रहे हैं। तो अपने को यूजुअली प्रोडक्ट्स में अपने को समझ में नहीं आता है, बट एक्चुअली हम लोग खुद करेंगे ना तभी अपने को विश्वास आ जाता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल डे टू में हमने रखा है। फिर दोपहर में थेरी सेशन रहता है, डिफरेंट अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्नोलॉजीज क्या है, ओके उसमें चॉइस क्या क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपने को डिहाइड्रेशन, अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए उनका रिक्वायरमेंट क्या रहता है, उनको डिहाइड्रेशन मशीन कौन से चाहिए रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पैकिंग कैसे होना चाहिए, लेबलिंग यानी वैक्यूम पैक कैसे किया जाता है या पैकिंग कैसे करता है, फिर उसके ऊपर लेबलिंग कैसे करता है, लेबलिंग में कौन से नॉर्म्स है ओके जो कंपल्सरी है, फिर केस स्टडीज लेते हैं हम लोग कि अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके कितने में बनता है, कितने में बेच सकते हैं, ओके तो हम लोग को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ये सब हम लोग डिटेल में केस स्टडीज देखते हैं। फिर डे थ्री में हम लोग होटल के डिहाइड्रेटेड ग्रेवीज रहते हैं ना, जैसे ग्रीन ग्रेवी है, रेड ग्रेवी है, ओके उससे अलग अलग ग्रेवीज बना के देखेंगे, यानी ट्राई फॉर्म में रहेगा, वही डिहाइड्रेशन टेक्निक से अलग अलग ग्रेवीज यानी बेस ग्रेवी बनाएंगे तो उससे एंडलेस कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते, यानी इधर देखोगे ना तो बहुत सारे उसमें से एक ही प्रोडक्ट आप लोगे ना, अपने को सक्सेस के लिए एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो कोई भी एक प्रोडक्ट लोगे ना तो वो आपको सक्सेस दे देगा। फिर लाइसेंसिंग कौन से लेना है, रजिस्ट्रेशन कौन से करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, वो सब डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। फिर लेबलिंग का नॉर्म्स बताए आपको, फिर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अपने को मार्केटिंग का क्या सपोर्ट मिल सकता है, यानी ये कोर्स आप देखोगे ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देखोगे या वर्कशॉप देखोगे, ये ऐसा डिजाइंड है कि 3 दिन का, कि आपके मेन क्वेश्चन क्या रहते हैं कि टेक्निकली हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं, वो आपका एक्सक्यूज निकल जाएगा, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने को आ जाएंगे, ओके तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा, हमको बनाने को नहीं है, हमको कुछ प्रोडक्ट बनाने नहीं आता इसलिए हमने बिजनेस नहीं किया, वो एक्सक्यूज निकल जाएगा। फिर सेकंड एक्सक्यूज क्या आता है कि हमको मार्केटिंग नहीं जमता इसलिए हमने बिजनेस नहीं किया, तो मार्केटिंग के लिए बहुत सारा सपोर्ट है, वो मार्केटिंग का सपोर्ट आप ले लोगे ना तो मार्केटिंग का पॉइंट निकल जाएगा। मेरा तो कहना ऐसा है कि प्रॉपर मार्केटिंग करोगे ना आप तो आपको इतना काम मिलेगा कि आपको नहीं बोलना पड़ेगा, बस हो गया हम नहीं और कर सकते, इतना रिजल्ट आएगा आपको, तो मार्केटिंग का भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने बिजनेस नहीं किया, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो स्कीम्स में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है, विदाउट एनी सिक्योरिटी गारंटी आपको लोन मिल सकता है। ओके तो कौन से स्कीम्स है, नया स्टार्टअप हम लोग करेंगे तो उसके लिए कौन से स्कीम्स है उसके बारे में, यानी फाइनेंस नहीं इसलिए मैंने बिजनेस नहीं किया, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ये 3 दिन का वर्कशॉप डिजाइन वैसे है। ओके, तो वर्कशॉप का फीस है नॉर्मली लास्ट बैच हमने लिया तो 9,800 पर पर्सन था, अभी इस टाइम हम लोगों ने 2,000 डिस्काउंट रखा है 9,800 में, तो 7,800 पर कैंडिडेट पर पर्सन फी रहेगा, जिसमें लंच वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, प्लस लास्ट डे को आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, तो बुकिंग करने के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9820367618 या 9229335720। ओके, तो अभी अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हेलो सर। हाँ बोलो सर। वेयर वी आर लोकेटेड मींस आवर कंपनी? वी आर लोकेटेड इन दादर मुंबई। यू आर स्पीकिंग फ्रॉम? आई एम फ्रॉम परभणी। परभणी, ओके। अपना को दादर में है सर, मुंबई में। बर, मग तिकडे यावं लागेल का आम्हाला? आलं तर बेटर ना, प्रॅक्टिकल तुम्हाला सगळं करायला मिळेल। ऑफलाइन ऑनलाइन रखते हैं ना तो लोगों को वही विजुअल अपना वीडियो में कितना दिखा सकते हैं ना, बट हैंड फ्री हैंड में हम लोग जब जब भी लेते हैं करते हैं तो पूरा अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आ सको तो अभी देखोगे ना, अभी बैच में हमने 6 जन ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है। एक मैडम गोवा से आ रही है, 2 मैडम कोल्हापुर से आ रहे है, एक पुणे से आ रहे है, करेक्ट? तो आप भी आ सकते हैं। लास्ट टाइम एक पंढरपुर से आए थे लास्ट के बैच में, तो आप भी आ सकते हैं। और दादर में बहुत सारे रहने के लिए फैसिलिटीज है, और कोई रिलेटिव नहीं है मुंबई में आपका तो। ओके सर, ओके। और 10 ही एडमिशन लेते हैं, अभी 6 ऑलरेडी हो गए, 4 ही बाकी है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर इसका टाइमिंग क्या रहेगा मॉर्निंग में? टाइमिंग 11 to 5 रहेगा। 11 to 5। और सर स्टार्ट कब से होगा ये? 26, 27, 28 ये मंथ, ये वीक में। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे संडे को है। अच्छा ठीक है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? सर ये अभी तक जितना सिखाया आपने उसका पीपीटी शेयर करेंगे हमारे साथ प्लीज आज का? हाँ सर। हाँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग ना थोड़ा मैंने लेट शुरू किया है, तो वो रिकॉर्डिंग मिल सकता है आपको। PPTs के बदले ना रिकॉर्डिंग मिलेगा वीडियो आपको। ओके सर। अपना जो कोर्स रहता है ना उसमें PPTs सब जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो मिलते हैं कोर्स में, बट आज का जो है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा आपको। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चन नहीं तो क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीबॉडी। और जिनको इंटरेस्ट है वो नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीबॉडी।